फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं अपने पिछले वीडियो में ये वाला पैटर्न बना के दिखाया था और उसमें मैंने बताया था कि इस तरह से कई जोड़ के आप टेबल मैट बना सकते हो, किसी चीज़ का कवर बना सकते हो, कुशन बना सकते हो, आसन बना सकते हो, तो कुछ भी बन सकता है ये। बस इस तरह से बनाते रहिए और फिर जोड़ते रहिए। तो इस तरह से मैंने कई बना ली है। इसको अब जोड़ना है, तो जोड़ना कैसे है उसका वीडियो आज मैं बनाऊंगी। तो इसके पहले वाले राउंड में मैंने ये पहले सर्कल बना के, मैं उसका लिंक भी दे दूंगी तभी आप समझ पाएंगे, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने से पहले। तो इस सर्कल बनाने के बाद मैंने ये वाइट वाले से तीन राउंड बनाया था, 1 2 3। पर अब जो मैंने बनाया वो ये सर्कल बनाने के बाद मैंने दो राउंड बनाया। तीसरा राउंड हम अब इसको जोड़ते हुए बनाएंगे। तो यहाँ से मैं यहाँ तक आ जाती हूँ, तीन चेन बना लेते हैं और सबके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 7 डबल क्रोशिया है, तो 7 के ऊपर 7 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ये 7ों के ऊपर 7 मैंने डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये कॉर्नर में आ गए, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से मैं कह रही हूँ कि आप इसको देखने से पहले पहले वाला आप वीडियो देखिएगा, उसका लिंक मैं दे दूंगी, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे इसके साथ। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बना लिया। अब इस वाले का कॉर्नर, इसमें मैंने 3 राउंड बना रखा था इस सर्कल के बाद। एक चेन ऐसे बनाएंगे, तो इसको हमने जोड़ लिया। अब इसको जोड़ने के बाद इससे 3 डबल क्रोशिया। अब ये 7 जो डबल क्रोशिया बन रहा है, 7ों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये वाला यहाँ से जुड़ेगा। दो चेन बनाया और ये वाला लिया और एक चेन बना। अब ये वाला यहाँ पे तीन चेन बनाया अब इसमें से लिया, अब फिर से 2 चेन बनाया। इस तरह से हमारा जुड़ता जा रहा है। अब इसमें से लिया, अब 2 चेन बना के
इस वाले से ऐसे लिया, फिर एक चेन बनाया, अब ये यहाँ पे कॉर्नर में तीन डबल क्रोशिया बनेगा। अब ये तीन डबल क्रोशिया बन गया, सात डबल क्रोशिया, फिर इसके अंदर तीन डबल क्रोशिया। अब ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, दो चेन यहाँ से लेके एक चेन, एक चेन लेके फिर से तीन डबल क्रोशिया। इन सातों के ऊपर सात डबल क्रोशिया, सात डबल क्रोशिया बनाने के बाद तीन चेन इस वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर से पांच चेन इसमें एक सिंगल क्रोशिया, फिर से तीन चेन और इनके ऊपर, इन सातों के ऊपर सात डबल क्रोशिया। अब इसमें तीन डबल क्रोशिया, तीन चेन, फिर तीन डबल क्रोशिया, इसमें सातों में सात डबल क्रोशिया, फिर तीन चेन, फिर स्लिप स्टिच, फिर पांच चेन, फिर स्लिप स्टिच, फिर तीन चेन, फिर सब में सातों के ऊपर सात डबल क्रोशिया। इस तरह से करके मैं यहाँ तक आ जाती हूँ। यहाँ तक आ गए हम, तीन चेन पांच, तीन चेन फिर सिंगल क्रोशिया, पांच चेन फिर सिंगल क्रोशिया, फिर तीन चेन, और जहाँ से ये शुरू किया था तीन चेन लेके उसके टॉप में जाके स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब ये दो जुड़ा है, इस तरह से और भी जुड़ता रहेगा। एक चेन लेके मैं इसको कट कर लेती हूँ।
अब एक और जोड़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्लिप स्टिच करके 3 चेन बना लेंगे और इन सातों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 7 डबल क्रोशिया के बाद इस कॉर्नर में मैंने 3 डबल क्रोशिया और बना लिया है। अब 2 चेन बना लेते हैं। अब ये वाला कॉर्नर उठाते हैं और 1 चेन और बना लेंगे। यहीं पे फिर से 3 डबल क्रोशिया सात डबल क्रोशिया सातों के ऊपर से जुड़ रहा था और इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि ये 4 जुड़ के एक ब्लॉक बन जाए। दो चेन ये वाला उठाते हैं, ये यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन। अब इस वाले से लेते हैं 2 चेन, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया 2 चेन। इस वाले से लेते हैं 1, अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातों के ऊपर 7 डबल क्रोशिया कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया सात डबल क्रोशिया फिर कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया फिर 2 चेन। अब यहाँ पे जोड़ना है, ये वाला कॉर्नर लिया एक चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया इन सातों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तीन चेन, एक सिंगल क्रोशिया, 5 चेन, एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और इसके ऊपर पहला डबल क्रोशिया हो रहा है, इसके ऊपर डबल क्रोशिया, इन सातों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। मैं यहाँ से यहाँ तक आ गई हूँ, अब यहाँ पे आके फिर यहाँ से ये वाला ज्वाइन कर लेते हैं।
अब ये तीन जुड़ गया है। अब ये वाला जोड़ेंगे, इसमें मैंने 7 डबल क्रोशिया, उसके बाद इस कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया बना चुकी हूँ। 2 चेन बनाते हैं, ये वाला लेके 1 चेन और बना लेते हैं। यहीं पे 3 डबल क्रोशिया फिर बनाते हैं कॉर्नर में, फिर 7 के ऊपर 7 डबल क्रोशिया बनाते हैं। ये 7 डबल क्रोशिया बना लिया और इसको वैसे ही जोड़ेंगे जैसे इन सबको जोड़ा था हमने, वैसे इसके साथ जोड़ेंगे। उसके बाद फिर इसको यहाँ से पे यहाँ जोड़ेंगे, इस कोने में जोड़ेंगे और राउंड को पूरा करते हुए यहाँ वापस आ रहे आ जाएंगे।
इस तरह से ही जोड़ जोड़ के आप कितना भी बड़ा बना सकते हैं। तो मेरा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।